हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बदर आलम और आप देख रहे हैं व्यूज न्यूज साथ साथ। फ्रेंड्स, मैं हूं आज अरबिक रेस्टोरेंट पर जो कि फेमस है अपनी अरेबियन डिशेस के लिए, और ये है 6 नंबर रोड शाहीन बाग में। सबसे पहले हमने कवर किया था अली अमीन रेस्टोरेंट, उसके बाद कवर किया हमने हातिम ताई रेस्टोरेंट, और अब हम कवर करने जा रहे हैं अरबिक रेस्टोरेंट जो कि फेमस है अरेबियन डिशेस के लिए। तो चलिए चलते हैं कि कस्टमर्स के लिए यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है और किन किन चीजों का जायका यहाँ पर कस्टमर्स ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। अरेबियन डिश हो या फिर टर्किश, यहाँ का एम्बियंस आपको किसी बाहर मुल्क में होने का एहसास जरूर कराता है। तो फ्रेंड, जैसा आप जानते हैं यहाँ अरेबिक रेस्टोरेंट, और मेरे साथ ये नदीम भाई और अब्दुल भाई, ये दोनों दोस्त हैं जिन्होंने मिलकर के इस रेस्टोरेंट की बुनियाद डाली। आज ये दोनों मिलकर के साथ में काम कर रहे हैं। जरा जानते हैं दोनों से कि भाई की इसकी शुरुआत कब से हुई और किस तरीके से हुई। सर, इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में, स्टार्ट किया था हमने, और पहले हमारा ये सीसी में था, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। फिर वहाँ पे चला मतलब दो साल, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जी। और अभी यहाँ पर जो है किस तरीके का रेस्पॉन्स है? रेस्पॉन्स माशाल्लाह बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी भाई बताएंगे। सब अच्छा चल रहा है लगे से करते, बाकी आप सबकी दुआएं। टेस्ट में हमने अपना जो है हमने डिफरेंट टेस्ट लेके आए हैं यहाँ पे, जो मेन स्ट्रीम यहाँ पे टेस्ट है और डिशेज है उनको हम बेसिकली ब्रेक करने आए हैं। अच्छा यार नदीम भाई, एक चीज मुझे जरा थोड़ा सा ऊंची आवाज में बताइएगा, क्योंकि ये पीछे जो है आपका चल रहा है भाई, मैं गर्मी भी नहीं चाहता कि आपके किचन में गर्मी हो। मुझे ये बताया कि ये अरेबिक का नाम कैसे आपने अरेबिक रखा? ये नाम जो था ये अरबिक से डिनोट किया था हमने, मतलब अरबिक एक वर्ड है, तो उसी को हमने डिनोट करके वो वर्ड बनाया था अरबिक। दूसरी चीज, हमें बेसिकली टॉक ऑफ द टाउन भी बनना था कि अरबिक बोले, अरबाइक बोले, क्या बोले, देखे, तो ये भी एक रीजन था। तो चलिए गाइस, आज जो है सारा कुछ पता करेंगे कि इनका जो है टॉक ऑफ द टाउन जो है वो डिशेज भी हैं बिल्कुल, और उसी तरीके से हम किचन शूट करेंगे और जायका भी लेंगे यहाँ की डिशेज का, तो फिर हम रिव्यू भी आप लोगों को देंगे। मेरे साथ जरूर बने रहिए। मेरे साथ है शिवा जो कि यहाँ के चीफ शेफ हैं, और इन्हीं से पता करते हैं कि क्या क्या अरेबियन डिशेस और कुछ टर्किश डिशेस भी हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए सर, क्या क्या बनाते हैं? टर्किश पिज्जा है, बोदाजाज, अल्फाम मंदी, शवाया मंदी, अल्फाम, सवाया। तो अभी क्या बनाने जा रहे हैं? अभी टर्किश पिज्जा, मनाकिश पिज्जा, मनाकिश बनाने जा रहे हैं। मनाकिश, तो चलिए शुरुआत करते हैं मनाकिश पिज्जा से। चलिए सर, मनाकिस का डो है, टर्किश मनाकिस का डो है ये। अच्छा। ये ड्राई मैदा है, ये ऑलिव ऑयल है। अच्छा। और ये चीज है। अच्छा। और ये ब्लैक ऑलिव्स हैं। अच्छा। और ये जातर है, जातर पाउडर। ये गूंदे हुए मैदा को बेला जा रहा है, ठीक है जी। ये इसमें चीज डाली जा रही है, ये डल गई इसमें चीज। यस, ये जाफर पाउडर है और इसमें ऑलिव ऑयल डाल के मिक्स करके इसका बेस बनाया है डालने के लिए। अब दोबारा इस पर चीज डाली जा रही है और इसको फोल्ड करा जा रहा है। ये जो मनाकिस है ये रेडी हो चुका है जी, अब ओवन में इसको बेक करेंगे। आपके लिए बनाना है, हम बुजदराज बनाने जा रहे हैं सर। चलिए ठीक है, बताइए कैसे। इसके 6 पीस आते हैं सर एक प्लेट में।
एक पीटा ब्रेड आती है इसके साथ में, और ग्रिल हो गया टमाटर, एक चिल्ली जाती है। तो ये सीख कंप्लीट हो गई? जी बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब ये तंदूर में जाएगी ग्रिल होने के लिए। अब ये तंदूर में जाएगा, इसके बाद ग्रिल होके फिर रेडी हो गए। ये सर अब बनेगा अल्फा। बना के रेडी हो चुकी है सर अभी। अब इसको हम बटर लगाएंगे, फिर पिकअप कराएंगे इसको। अब इसको इस पे रखा जाएगा, इसके पीसेस करे जाएंगे। इसके ऊपर अब ये ब्लैक ऑलिव्स लगाई जाएगी। ये इसके साथ खाली टमाटर केचप जाती है, और ये टर्की पिज्जा हमारा रेडी हो चुका है। ये ब्रेड है, इसके टू पीस होके बुर्देराज के साथ में जाती है। इसके टू पीस करते हैं हम, ये बुर्देराज के साथ में देते हैं इसको। ये दो डिप्स जाती हैं इसके साथ। ये जो हमने अभी तंदूर में डाला था बुर्देराज, ये अब रेडी हो चुका है, तो इसको अब सीट में लगाएंगे और प्रेजेंटेशन करके अब पिकअप कराएंगे हम इसका। भाई ये है फुल तजाज। जी बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल तैयार हो गया ये है। बिल्कुल रेडी हो चुका है अब। ये तैयार हो गया फुल तजाज, बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो चुका है अब। अभी ये रेडी हो चुका है, अभी कुछ टाइम पहले जो ग्रिल करा था तो सर्विंग के लिए रेडी हो चुका है खाने के लिए। अभी इसके साथ एक ब्रेड जाती है हाफ, और दो डिप्स जाती है, गार्लिक सॉस और स्पाइसी सॉस। ये रेडी हो चुका है अब। मैं अलीगढ़ से हूँ, मेरा नाम अली है। तो ये मेरे भाई हैं, इन्होंने ही बताया था मुझे इस मंदी के बारे में। जो हमारे रात में हम पबजी वबजी खेलते रहते हैं, तो रात में मंगाते थे, तो हम लोग पूछते थे क्या मंगाया है, तो इस बार इत्तेफाक से आना हुआ तो ये लेकर आए। खा के देखा, वैसे काफ़ी अच्छी है वाकई। बड़े कहते हैं जब दस्तरखान पर खाना लग जाए तो बात नहीं करते, मगर क्या करें, बिना बातों के वीडियो नहीं बनती और बिना खाने के बात नहीं बनती। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्किश पिज्जा की, जिसको कहा जाता है मनाकिश, और उसके बाद आता है लोटस कुनाफा, जो कि काफी फेमस डिश है, और उसके बाद आता है हमारा बुज दज्जाज, और ये है साथ ही में शवाया मंदी। चलिए फ्रेंड्स, अब वक्त है रिव्यू देने का, और ये रिव्यू देगी हमारी जबान। और मेरे साथ हैं यहाँ पर जुबैर, जो कि मीडिया एडवाइजर हैं यहाँ अरबिक रेस्टों के, और वीडियोस बना करके डालते भी रहते हैं यहाँ की। तो मुझे पता चला कि जुबैर भाई जो हैं बहुत एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं अरबिक के लिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे जुबैर भाई? अच्छा, ये लाइट पिज्जा है, जो टर्किश पिज्जा है, जिसको आप कहते हैं मनाकिश, इसको कहा जाता है, और ये टर्किश डिश है जिसको हमने बनते हुए भी देखा था। तो चलिए सर देखते हैं, ये है जबरदस्त हमारा मनाकिश, जिसको मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, याद दहानी दिला रहा हूं कि ये है टर्किश पिज्जा, और इसको मैंने सॉस के साथ लगाया, और भाई ये जबरदस्त जो मतलब हर्ब होती है, बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। जैसे कि पिज्जा होता है तो आप बाहर का खाते हो तो इट्स हार्मफुल समटाइम्स ओवर ईट पे भी, और वैसे भी नॉर्मली, बट ये हर्ब होती है, ये किसी भी तरीके का हार्म नहीं करती। और दूसरी चीज, इसमें चीज होती है बहुत टेस्टी, और इसका जो बेस होता है ना, हम बाहर से कहीं नहीं लाते हैं, जैसे और पिज्जा का होता है। ये तो आपका चिकन हो गया एक तरीके से, ठीक है, और हमारे हाथ में जो है ये ब्रेड है, जो एक स्पेशल किस्म की ब्रेड है, ठीक है, पीटा ब्रेड, ठीक है, इसको हम पीटा ब्रेड बोलते हैं। तो ये तो हम लोग ले रहे हैं माइनस, ठीक है, और ये वाली, ये भी चटनी है ना, ये ऑरेंज
स्पाइसी सॉस, ठीक है। ये रोटी है स्पेशल, और इसी के साथ चिकन, और हमने ये लगाया चिकन। कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये जो रोटी है बहुत ही स्पेशल एक रोटी है ना, सॉफ्ट है, जबकि इसको थोड़ा सा वक्त भी हो गया बने हुए, लेकिन हम मिल्क यूज करते हैं सर। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छा, लाजवाब। बिना रोटी के बोटी खा करके देखते हैं। बिना रोटी के बोटी विद सॉस, आहा लाजवाब। ये ढक्कन में बहुत मतलब लाइट समझ रहा था, लेकिन ढक्कन जो है काफी भारी है भर का मैं भाई। ठीक है भाई, चलिए मंदी शुरू की जाए, ठीक है। मंदी निकालते हैं, मंदी में सबसे पहले ये हमारे कैमरामैन साहब बोल रहे हैं कि भाई बुर्ज दज्जाज की सीख जो है, ये बुर्ज खलीफा की तरीके से सामने है, इसको जो है हटा दिया जाए। और ये देखिए, ये बहुत ही शवाया यार, ये चिकन है, क्या बात है, देख रहे हो मेरे भाई, जबरदस्त। ये भाई चिकन पूरा ऐसे का ऐसा उतर गया, यानी कि कितना सॉफ्ट है, कितना मजेदार और लजीज होगा खाने में, ये देख करके पता चल रहा है भाई। मैं थोड़ा सा राइस ले रहा हूं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो शवाया है ये बेसिकली 260 का हाफ है, ठीक है। और इसको अगर मंदी के साथ यानी कि राइस के साथ हम लेते हैं तो ये पड़ता है हमको 500 के आसपास, ठीक है। और अगर हम फुल लेते हैं तो फुल तकरीबन मेरे ख्याल से 900 के अप्रोक्सीमेटली जाएगा, है ना, इतना ही जाएगा फुल, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा रेट्स हैं, लेकिन जब खाने की बात आ जाए तो फिर रेट्स नहीं देखे जाते, तब टेस्ट देखा जाता है। चलिए सर जायका लेते हैं। भाई मजा लेते हैं, ये देखिए जुबैर भाई जो है हमारे, जुबैर भाई कैसा है आप? अमेजिंग, आहा मतलब मैंने दिल्ली में आज तक कुछ ऐसा फाउंड नहीं करा। ये रहा हमारा चिकन, ये इसको बोलते हैं शवाया, आहा ठीक है। और इसको हमने मंदी के साथ यानी कि राइस के साथ हमने मिलाया चावल के साथ, और ये फिर आहा। मतलब भाई अब आप उंगलियां ना चाटे तो क्या करेंगे। ये देखिए भाई, इसका जो है चिकन जो है वो पूरे का पूरा आप ऐसे ही उतार सकते हैं, ठीक है, जबरदस्त है। और इसके अंदर जो पूरे मसाले हैं वो बैठ चुके हैं, यानी कि इसको मैरिनेट होने के लिए भी काफी वक्त के लिए रखा जाता होगा। अच्छा, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन, एक तो होता है टेस्ट, वो दी वाइब्स, आपको रियली में ऐसी वाइब आई कि यू आर एट अरब एंड हैविंग दैट फूड? नहीं देखिए, मैंने क्या था, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज कर चुका हूँ, ठीक है, तो मैंने अराफात के मैदान में उस वक्त में मैंने ये मंदी चखी थी, क्योंकि वहाँ पे यही सिस्टम है ना अरबी में, अरब में, कि आपका चिकन होता है, राइस होता है उसी के बीच में, और आप तोड़ करके खाते हैं। यार उसका टेस्ट तो अराफात का मैदान था, ठीक है, भूख बहुत तेज लगी हुई थी, मतलब उसका तो तोड़ ही नहीं है, आप कह नहीं सकते उसका, बट यार इसका बहुत ही लाजवाब टेस्ट है, मैं सही में सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे वो वाले जो हज वाले दिन थे वो मुझे जो है आज याद आ गए। अरे जुबैर भाई, ये आपकी फेवरेट डिश है, इसमें क्या क्या है बता दें जरा। इसमें स्पेशल ये सिमई टाइप होती है, आई वुड नॉट से कि सिमई है, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड दिस इज द एक्चुअल फार्मूला एंड सीक्रेट। और इसमें चीज होती है, और ये ना लोटस होता है इसमें, बिस्किट, इट्स वेरी फेमस बिस्किट लाइक होल वर्ल्ड।
एंड यहाँ पे मतलब कुनाफा के साथ है, इट्स वेरी स्पेशल। और इसी का ही ये क्रीमी घोल है, इसी का ही लोटस बिस्किट का। अच्छा, एंड दिस इज दैट वेरी स्पेशल, इसके नाम से इसका लोटस कुनाफा नाम। अच्छा, ये ले है लोटस कुनाफा। भाई देखते हैं इसका। हाँ, कैसा लगा? बहुत ही जबरदस्त डिश है ये। सो फ्रेंड्स, इसी सब के साथ आज मैं आप लोगों से अलविदा कहता हूँ। फिर नए डेस्टिनेशन पर नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें एंड इंस्टाग्राम फॉलो करें अरबिक का, एंड प्लीज विजिट अरबिक। एक बार आओगे तो आते रहोगे, एक बार आओगे बार बार आओगे। एग्जैक्टली ठीक है सर। यस चलिए।